ये पैर, ये आंख, ये कान, ये मुंह परमेश्वर का दिया हुआ है। सबको यीशु सहित जय यीशु। फिर से आप सबको स्वागत है महिला सम्मेलन का भाग टू में, दूसरा भाग में। अगर पहला भाग आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। आप सब हमको यीशु साय। मैं पादरी दाऊद मार्शलान बारला, जोड़ावान पेरिस चेयरमैन, और हमारे हाथियोडा मंडली में पास्टेट महिला संघ सम्मेलन के लिए हम लोग पादरियन के साथ दोनों आए हैं। और सेकेंड हाफ में हमारे पादरियन वो चेयरमैनशिप करेगी, और इसलिए हम लोग दोनों आए हैं। आप सबों को धन्यवाद। मेरा नाम कृष्ण पादरियन बारला है और मैं जोड़ावान से आई हूँ। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सुंदर स्वागत के लिए धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम पादरी नामलन तेड़ो, जड़ा कुदर पेरिस चेयरमैन। तो स्वागत के बाद परिचय चल रहा है और स्वागत का वीडियो आप लोग सो ऑफिशियल चैनल में देख सकते हैं। देख रहे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आइए देखते हैं परिचय। आप लोग मुझे नहीं बुलाते तो मैं नहीं देख पाती, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। हमारे जो अधिकारीगण है, विशेषकर हमारे पेरिस चेयरमैन और हमारे जो बहन अधिकारीगण है हाथियोडा मंडली, आप लोगों ने मुझे बुलाया और मुझे बहुत खुश लग रहा है। फिर से आप सबको धन्यवाद। इससे सहाय शुभ नाम है पादरी दाऊद मार्शलान बारला, जोड़ा बांध पेरिस चेयरमैन। सबों को यीशु सहाय। मेरी ओर से भी सबों को यीशु सहाय। मेरा नाम कैंडिडेट आते मुंडू, जोड़ा बांध पेरिस के अंतर्गत कार्यरत हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम है पादरी अमर कंडुन्ना। जिस प्रकार हमारे मुख्य अतिथि बोल रही थी तो उसी प्रकार आप लोग तो न्योता दिए, लेकिन हम बेड़ाते बेड़ाते कौन सा जंगल में हम आगे जैसे लग रहा था, लेकिन चलो परमेश्वर का धन्यवाद आप सबों के बीच में उपस्थित हो पाया हूँ। इसलिए मेरा घर तो इधर ही है, कारी मट्टी पेरिस अंतर्गत कदपनी मल्ले। सबों को फिर से एक दो तीन यीशु सहाय। मैं पादरी आश्रिता टोटमो बुनाई एरगेड़ा की हूँ, अभी रिटायर हूँ, घर में रहती हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम प्रचारक लुकास डंग, और गांव है हाथियोड़ा कुसुमटोला, और संरक्षित पास्टरेट सेंटर मंडली का प्राचार्य पुण्यपाली, और संरक्षित मंडली का प्राचार्य। आप सब को मेरे ओर से यीशु सहाय। मेरा नाम है प्राचार्य सुनील हेरेंस, एडर सोना पर्वत मंडली का प्रचार हूँ। सबों को यीशु सहाय। मेरा नाम प्राचार्य मानसिक समाज, और मेरा तो खास घर तो मेरा बंदूक डेरा है, और फिलहाल कार्यरत हूँ टकरा मंडली से। आप सबों को सुसा है। मेरा नाम है प्राचार्य बिलकन भेंगरा, मैं जोड़ाबंद सेंटर मंडली का प्राचार्य हूँ। मेरा नाम है प्रेम से कुड्डू, और टकरा मंडली से आता हूँ, और जोड़ावन पास्टोरेट के भूतपूर्व यूथ के वाइस प्रेसिडेंट भी था, और मुझे अच्छी तरह याद है कि हम लोग इस हथिगोड़ा मंडली में हम लोग के टाइम में हम लोग युवा संघ दिवस ऑर्गेनाइज किए थे, और यहाँ का भाई बहन सब हम लोग को बहुत हेल्प किया था और प्यार मोहब्बत भी दिया था। इसलिए आज फिर इस हरदुड़ा मंडली में उपस्थित हूँ, हमको बहुत खुश है। और फिलहाल मैं टकरा मंडली का एक सलाहकारी मेंबर हूँ। मेरा नाम प्रेम मसी कुरु। आप सबों को यीशु सहाय। सबों को यीशु सहाय। मेरा शुभ नाम है क्रिस्ट प्यारा समाज, टकरा मंडली का सेक्रेटरी हूँ। मेरा शुभ नाम है प्राचार्य जोहान सोरेन, मैं अभी बिसरा टकरा मंडली का प्राचार्य हूँ। आप सब हमको मेरी ओर से यीशु सहाय। सबों को यीशु सहाय। मेरा नाम है
प्रचारक सुदर्शन हेमरम, मैं बालजोड़े बी मंडली से आता हूँ और वह सब को यीशु साहब यीशु साहब सबों को मेरी ओर से यीशु साहब। मेरा नाम है क्रिस गौरव बल्ला और मैं जोड़ाबंद मंडली से आता हूँ और आपके जोड़ाबंद पादरीपन और जोड़ाबंद पेरिस काउंसिल संडे स्कूल का सभापति हूँ। पुनः सबों को मेरी ओर से यीशु साहब। सभा को शेष है। मैं बिजाड़ी जीएलचंद मंडी का प्रचारक हूँ। मेरा नाम होता है क्रिस विश्राम सिंह। सभा को शेष है। सभा को मेरी ओर से प्रेम भरा शेष है। मेरे नाम है प्रज्वलित ठाकुर। मैं इरगड़ा मंडी के प्रेसिडेंट हूँ। सबों का एक ही बार सुशा है। मेरा नाम है प्रमिला खेस और मैं विश्रापुर का मंडी का। धन्यवाद। जितना भी उपस्थित हैं आयो बा छोटे बड़े बेटा बेटी भाई बहन सब मन के मोर ओर से एक ही बार सुशा है। मोर शुभ नाम है के क्रिस्त ललिता हंस। मैं बिरखेरा मंडली के रही को और मैं महिला दिवस का सेक्रेटरी है को। सब मान के एक बार यीशु सहाय। मोर शुभ नाम है के क्रिस्त सरोजिनी बागे और मैं बिसरा बिरकेरा मंडली के महिला संघ के सभापति है को। सबों को मेरे ओर से प्रेम भरा यीशु सहाय। मेरा नाम है महिमा कांडुना। जोड़ाबांध मंडली की हूँ। महिला का खजांची हूँ। धन्यवाद। साबुन को मेरे ओर से प्रेम भरा यीशु सहाय। मैं एप्रियल मंडली से महिला संघ का सेक्रेटरी और मेरा नाम है फुलमणि मुंडू। मेरी ओर से साबुन को यीशु सहाय और मेरा नाम है क्रिस्त विश्वासी सहाय और पास्टोरेट का महिला खजांची। ठीक, पास्टोरेट के महिला खजांची के नाम से जोर से ताली बजा देंगे। इन्हीं के अगुवाई से आज का ये कार्यक्रम होने जा रहा है। सबों को जितना भी उपस्थित है मेरी ओर सब सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से जोर से बोलिए यीशु सहाय यीशु सहाय यीशु सहाय। अब मेरा नाम है क्रिस्त जिलानी बागजो और जोड़ाबंद पास्टोरेट के महिला सेक्रेटरी। पास्टोरेट के महिला सेक्रेटरी के नाम से ताली बजा देंगे। इन्हीं के अगुवाई से ये कार्यक्रम सम्पन्न होने जा रहा है। सब कोई को विशेषकर हाथीवाड़ा मंडली के जितने भी स्वागत किए हैं और माता पिता भाई बहन और आए हुए जितने भी मेहमान हैं और हमने आमंत्रित किया था और उन्होंने स्वीकारा है हमारे आमंत्रित को, उसके लिए सबों को धन्यवाद करते हैं और इस सम्मेलन में सब कोई का स्वागत करते हैं और हम सब कोई प्रभु येसु के नाम से उस बातों को सुनेंगे और सीखेंगे और लाभ उठाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। ये और एक बार येसु सहाय येसु सहाय। मेरा नाम है क्रिस्त दुताले गुड़िया और मैं जोड़ाबांध पास्टोरेट महिला संघ का पास्टोरेट सभापति सभापति के नाम से जोर से ताली बजाएंगे और पूरा सभा को यीशु सहाय। मेरा नाम है क्रिस्त पाबरेन बारला और मैं जोड़ाबांध पेरिस का पादरीन हूँ। पादरीन के नाम से ताली नहीं बजाएंगे। मेरा नाम है आश्रिता समाद टक्करा मंडली का प्राचार्य हूँ। ताली बजाते रहेंगे, धोखा नहीं करेंगे। सोबन को के यीशु सहाय। मैं तुम मालिसा करके टाटा ना टकरा मंडले महिला सेक्रेटरी तनी सोबन को के यीशु सहाय। मैं तुम तना सबनम सहाय टकरा मंडली महिला खजांची सोबन को के यीशु सहाय। सबन को यीशु सहाय। मेरा नाम है पूनम पंगन। मैं एरगड़ा मंडली की खजांची हूँ। यीशु सहाय। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है वह अपने जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेलमिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उसके विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे।
महिमा से भरा हुआ जीवित अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, तू ही आदि है, तू ही अंत है और तू ही हमारा सर्वशक्तिमान है। इस जगह पर हाथीओड़ा कुसुम बिरला मंडली के इस गिरजाघर के स्टेज में हम आपके इतने सारे बेटे और बेटियां उपस्थित होके आपको आदर महिमा देते हैं, तेरे नाम को धन्य कहते हैं। राजा तू हमारा सब कुछ है, इसलिए आज आपकी क्रूस के तले आपके चरणों में आते हैं हम सब कोई तेरे बेटे और बेटियां। प्रभु तेरी अनुग्रह हम सबों के ऊपर में होने पाए और आज इस जगह को इस जोन को तेरे लहू से कवर करते हैं प्रभु। और पवित्र परमेश्वर हम आपके इतने सारे बेटे और बेटियां जो यहाँ उपस्थित हैं, आज जो भी प्रोग्राम है, जितना भी वचन की प्रीच किया जाएगा और जितने भी प्रीच करने वाले हैं उनके संसद हो पवित्र आत्मा तो उनके सत हो, जो भी वचन हमारी इस छोड़ में बोया जाएगा उस वचन के द्वारा लोगों के साथ तो बातचीत कर, जिसके द्वारा कि हमारे यहाँ आना और उपस्थित रहना कभी व्यर्थ ना जाने पाए। और समर्थ परमेश्वर हम उस वचन को सुने सीखे और उस वचन के अनुसार चलने वाले बन पाए। और पवित्र पिता हमें इस प्रोग्राम को जो भी होगा सब कुछ तेरे नियंत्रण में देते हैं, जिसके द्वारा कि तेरी ही इच्छा इस जगह पर पूरी होने पाए और जैसा तू चाहता है वैसे ही होने पाए। हाँ पवित्र परमेश्वर हम सब कोई जो यहाँ उपस्थित है सब कोई तेरे हाथों में आते हैं और तुझे ही आशीष मांगते हैं, अनुग्रह मांगते हैं काम काज करने के लिए और बैठने के लिए सुनने के लिए। तू ही हमारी मदद कर, जिसके द्वारा कि हमारा ध्यान भी यहाँ उपस्थित जितने भी हैं उनका ध्यान भी इधर उधर ना भटके बल्कि सब कुछ तेरे नियंत्रण में देते हैं। पवित्र पिता जितने भी आज पूरे दिन भर की प्रोग्राम है काम काज कर रहे हैं, चाहे वो रसोई हो चाहे कुछ भी, सब कुछ तेरे पवित्र यीशु नाम से आशीष करते हैं। हर एक बातों को हर एक चीज़ों को तेरे हाथों में देते हैं, जिसके द्वारा कि तेरी ही अनुग्रह तेरी ही आशीष होने पाए, जिससे कि हम सब कुछ तेरी ही आशीष से पाने पाएंगे। और पवित्र पिता हम सारी आदर महिमा तुझे देते हैं, हम तेरे विरोध में कुछ भी पाप किए हैं पवित्र परमेश्वर जाने अनजाने सारे पापों को क्षमा कर और इस प्रार्थना को आपके पवित्र यीशु के नाम में मांगते हैं, स्वर में ग्रहण करिए, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की दया, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ हो, आमीन। तो ये है हम लोग का मेस काउंटर में यहाँ टिकट दे रहे हैं। मेस का कितना पैसा माने खाना खाने के लिए? पंजीकरण का 10, पंजीकरण का 10 और रजिस्ट्रेशन 50, खाना खाने का 50, मेस का 50 रुपया। अच्छा 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 ठीक, टोटल 60 रुपया लेते हैं। 60 रुपया टोटल, अच्छा ठीक। प्रार्थना निवेदन करते हुए अपने आप को प्रभु तेरे पवित्र हाथ में सौंप देते हैं और हमारी प्रार्थना है कि इसी समय पुनः हम जो संदेश हम लोग सुनना चाहते हैं सुनने और सुनाने में पवित्र आत्मा के द्वारा से प्रभु तो हमारी सहायता कर, वचन का आशीष दे। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। हमारे जोड़ाबंद पास्टर के महिला संघ के अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद हो कि हमने विगत मीटिंग में यही निर्णय लिया कि 2024 ईस्वी में हम लोग पास्टर महिला संघ मनाएंगे
और वह दिन और समय हमारे बीच में आ पहुंचा है। प्रभु का धन्यवाद हो कि ये 2024 ईस्वी आपके लिए, पस्टर्ट के लिए, पेरिस के लिए, विश्वासी भाई और बहनों के लिए आशीषमय हो। और आज का सुबह से लेकर अब तक हमने बहुत सारे संदेश सुना, उसमें से पहला संदेश हमने सुना कि हमारे महिलाएं अपना पति के अधीन में 30% रहती है और हमारे महिलाएं पतियों को रिक्वेस्ट करते हैं कि पति पत्नी के अधीन में रहे, वे कितना रहते हैं 70%। लेकिन जब जब मैं शादी देता हूं, मेरा शादी का मैसेज में यही रहता है कि हर पत्नी शादी के बाद अपना पति के अधीन में रहती है। हमारे महिलाएं अपना पतियों को अपना अधीन में रखना चाहती है, या तो हमारे महिलाएं अपना पति के अधीन रहती है, मेरा कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन हम सब कोई परमेश्वर के हैं। हम किसके अधीन में रहते हैं? हम सब कोई परमेश्वर के अधीन में रहते हैं, क्योंकि ये शरीर हमारा अपना नहीं है। ये शरीर किसका है? परमेश्वर का है। ये हाथ, ये पैर, ये आंख, ये कान, ये मुंह परमेश्वर का दिया हुआ है। इसलिए आज हम अपने आप को हम परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, क्योंकि हम सब कोई परमेश्वर के हैं। हम किसके हैं? परमेश्वर के हैं। हम किसके हैं? परमेश्वर के हैं। और जगत के अंत तक हम परमेश्वर पर आशा, विश्वास और भरोसा करते हुए हम लोग अपना जीवन को व्यतीत करेंगे। दूसरा मैसेज में हम लोग सुन रहे थे, वो तो समारिया प्रदेश की बात है, लेकिन आज हम जोड़ाबाग पस्टरेट के सभी महिलाएं, आज हम एक स्वर से यही कहें कि प्रभु यीशु ख्रीस्त जगत का उद्धार करता है। सब बोलेंगे प्रभु यीशु ख्रीस्त जगत का, प्रभु यीशु ख्रीस्त, प्रभु यीशु ख्रीस्त जगत का उद्धार करता है। और हमारा प्रभु यीशु ख्रीस्त ये हमारा जीवन का संचालक है। हमारा प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारा जीवन का उद्धार करता है। हमारा प्रभु यीशु ख्रीस्त हमको बचाने वाला है। तो ये 2024 ईस्वी का जीवन यात्रा में हमारा प्रभु उद्धार करता बन करके हमारे बीच में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे पास्टर में, हमारे कलीसिया में, हमारे जीवन में अपना उपस्थिति दे। तो मैं दोनों वक्ताओं को जो बहुत सुंदर प्रवचन दिए, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद। मैं क्या प्रवचन दूं? मेरा विषय है दान पुण्य के विषय में। तो प्यारो, कैन और हबील हम सब कोई जानते हैं, और ये कैन और हबील ये दो भाई थे, और दोनों भाई वे दान अर्पण करते हैं। परंतु बड़ा भाई कैन, उसका सोच, उसका विचार, उसका प्रेम भावना उच्छा नहीं था। वो जब दान देता है तो कुड़ कुड़ मन से दान देता है, परंतु हबील वो सुख से, पवित्र मन से, हर्ष मन से वो दान देता है। दोनों भाई दान तो देते हैं, परंतु परमेश्वर किसका दान को ग्रहण करता है? किसका दान को ग्रहण करता है? हबील का दान को ग्रहण करता है, क्योंकि हबील ने शुद्ध और पवित्र मन से उस प्रभु के लिए दान दिया है।